आते हैं कि ना देखिए बड़ा अच्छा लगता है सब बात करते हैं लेकिन हर जगह हम सामाजिक न्याय की हत्या हर कदम पर उतरी हुई दिक्कत क्या है लोग बोलने से पहले चार बार सोचते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए हम लोग भी दोषी हैं जब हम पर कोई अन्याय होता है इस तरह की बात होती है हम लोग इन्हीं भी कारणों से बंद करते हैं मुझे लगता है उस पर सोचना देखिए सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है हम लोग पौराणिक ग्रंथों में ढूंढेंगे मुझे लगता है कि वो सामाजिक न्याय के साथ अन्याय होगा वहाँ सामाजिक न्याय कोई अवधारणा उस तरह की नहीं मिलती है मैं महाभारत के अनुशासन पर एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है कि एक आदमी है ब्राह्मण दान मांगने आता है तो सुदर्शन कुमार उसकी पत्नी देने के लिए आती है तो उसकी पत्नी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है वो कहता है कि भाई दान में आप अपने आप को मुझे दे दो दान में आप अपने आप को मुझे दे दो तो वो अपने पति से पूछते हैं कि ब्राह्मण ने दान में मुझे मांग लिया तो वो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं जाना चाहिए वो पत्नी ब्राह्मण के साथ आप देखिए उस महिला से नहीं पूछा गया कि आपको जाना है नहीं जाना है वो उसके साथ मतलब एक तरह से चीज होती है वस्तु उस तरह देखिए आप देखिए इसको आप सामाजिक न्याय से जोड़ के देखिए तो इसकी शुरुआत जो है अन्याय की शुरुआत सामाजिक अन्याय की शुरुआत कहाँ से होती है और बहुत सारी घटनाएं हैं जैसे आप देखते हैं पौराणिक ग्रंथों में तो हर जगह डूबोगे आप हर जगह मिल जाएगी चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो चाहे महिला मैं इन सबको एक ही श्रेणी में देखता हूँ अन्याय इनके साथ सामाजिक राजनीतिक और हर तरह का अन्याय शुरू से रहा बस ये है कि कितने लोग बोलने वाले रहे कितने उसका प्रतिकार करते हैं कितना उसका विरोध करते हैं जो विरोध करते हैं जो पुराने ग्रंथों में नाम दिया गया है वेद द्रोही आजकल एक शब्द चल रहा है ना जब आप कुछ विरोध करते हैं कोई बात कहते हैं तो झटपट एक चिपका दिया जाता है कोट अनकोट आप समझ गए होंगे इस बात को तो देखिए जो विरोध करे उसको आप द्रोही बता दीजिए वो किसी चीज से द्रोही है लेकिन मुझे लगता है कि विरोध करने वाले पहले भी थे मध्यकाल में भी थे आज भी और मुझे है किसी भी चीज को आप एकदम क्लीन स्वीप करने के लिए छोड़ देना मुझे लगता है कि उस व्यवस्था के साथ उस सिस्टम के साथ न्याय नहीं कहलाएगा तो आज भी आप देखिए महिलाएं हैं हम लोग सब कहते हैं कि भाई महिलाएं बहुत बड़ी और उन्नति कर ली है आप अपने घर में जाके देखिए सच में आज घर में ही सामाजिक न्याय की जरूरत है घर में ही सामाजिक न्याय की जरूरत है और सामाजिक न्याय देने वाला कौन है पुरुष है सामाजिक न्याय देने वाला तो मतलब अवधारणा बना के मतलब उसके हाथ से जाना है पहले पौराणिक ग्रंथों में क्या होता था ब्राह्मण सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता था कि उनके अकॉर्डिंग क्या सही है भाई सामने वाले के अकॉर्डिंग भी देखिए ना जिसके साथ आप न्याय अन्याय कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सही है बात जब बनती है अक्सर पौराणिक ग्रंथों में जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो अच्छा अच्छा दिखाया जाता है मुझे लगता है एक बार बुराई हुई तो बुरा है ना जो छूट गया जिसको लोग दिखाते नहीं है उसको देखना चाहिए सही कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा अक्सर क्या होता है कि सब अच्छाई मैं कई बार अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ सब कहते हैं जैसे ना कि सदा सच बोलना चाहिए बड़ी अच्छी बात है सदा सच बोलना चाहिए आप पौराणिक धर्म ग्रंथों में जाके देख लीजिए कितने लोग सच बोलते हैं जो कहते हैं कोई सच नहीं बोलते हैं आप उम्मीद किससे करें तो दूसरा पक्ष हमारा ना उन चीजों में हम देखना चाहिए दलित साहित्य की बात हम करते हैं मैं फिर आपको कहता हूँ दलित साहित्य या दलित वर्ग के लोग अपने लिए जितना उनको लड़ना चाहिए संघर्ष करना चाहिए वो नहीं करते मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जिक्र ही कर देता हूँ सामाजिक न्याय की बात आप देखिए इतना बड़ा अन्याय इस समुदाय के साथ दलित एवं एस सी एस टी ओ बी सी माइनोरिटी और फिजिकली चैलेंज उनके साथ यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा अन्याय होता है कोई नहीं कोई लड़ता जो लड़ते हैं लोग उनकी नाम को खींचना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों मतलब आप देखिए अपने हक के लिए तो हर कोई लड़ता है अपने हक के लिए मतलब कभी कभी आप देखिए फीमेल के इशू को देखिए या ऐसे ओबीसी के इशू को देखिए वहां आप लड़ेंगे तो सबसे बड़ा मजा आएगा बदकिस्मती है कुछ लोग बैठ के धर्म बात करते हैं
किसी रूम में बैठ के बात करते हैं, जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अपने लिए नहीं लड़ेंगे और अपने हक नहीं मांगेंगे, कोई आपको थाली में रखे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके लिए आप एक बात कुछ होना पड़ेगा। बाबा साहब आंबेडकर की बात याद करिए, चुनौती हो गई थी तो कहाँ गए, गोलमेज सम्मेलन में गए। यहाँ आप देखिए उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा हमारे कहते हैं मैं हजारों लाखों करोड़ों बेटों को नहीं छोड़ सकता, आज कितने लोग हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो देखिए सामाजिक न्याय की जो हम बात करते हैं उन चीज़ों पर हम लोग को दोबारा सोचना चाहिए। महिलाओं के अधिकार आज आधी आबादी है, अक्सर लोग कहते हैं जैसे आरक्षण की बात होती है महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परंपरावादी और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया पीछे काफ़ी है कि महिलाओं को आजकल भैया घर में चूल्हा चौका दोबारा संभाल लेना चाहिए, ये मतलब बड़े बड़े लोग कहते हैं। अब आप मानसिकता देखिए, क्या दोबारा उन महिलाओं को घर में कैद करने का शरीर तो नहीं हो रहा है, तो एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करें तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब तक आप इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ेंगे नहीं बोलेंगे तब तक ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होगी। उसके लिए हम लोगों को आपसे मतभेद या सब चीज़ें भुला कर आगे आना चाहिए। तो समाज में बदलाव तभी होगा जब समाज में बदलाव होगा, एक नई पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, देख रही है बड़ी उम्मीद वाले, लेकिन उस पीढ़ी का भ्रम भंग बहुत जल्द होता है क्योंकि उनको लगता है कि जो लोग कहते हैं वैसा करते नहीं है। ये जो अंतर विरोध है ना हमें, इन अंतर विरोधों के बारे में दोबारा व्यक्त सोचना चाहिए और तब ये चीज़ें सामने आएगी। बस ज़्यादा समय नहीं दूंगा, शुक्रिया, धन्यवाद।